नमस्कार, सांगवान न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौर। पिछले कई महीनों से हम लगातार सांगवान न्यूज पर गोकुलधाम कॉलोनी में व्याप्त अव्यवस्थाएं दिखा रहे हैं। अब इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए पालिका प्रशासन ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा किया सांगवान न्यूज से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में स्थानीय पार्षद चतुर्भुज सेन ने। चतुर्भुज सेन ने सांगवान न्यूज से की गई बात में वार्डवासियों को यह आश्वासन दिलाया कि उन्हें जल्द ही बुनियादी स्तर की सुविधाएं पालिका प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। आइए देखते हैं सांगवान न्यूज की पार्षद चतुर्भुज सेन से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत। सर, गोकुलधाम कॉलोनी को जैसे अस्तित्व में आए आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं और लगभग 8 सालों से आप भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अभी बात की जा रही है स्वच्छ भारत की, लेकिन गोकुलधाम वासियों का कहना है कि उन्हें अभी तक बुनियादी स्तर की सुविधाएं जैसे सड़क और नाली भी नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? गोकुलधाम कॉलोनी को लगभग बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन वहां पर मकान अभी 2-3 साल में ही निर्माण हुआ है और वो भी अभी पूरे नहीं हुए, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। और जो मकान पहले बने हुए थे पक्के, वहाँ पर पहले भी सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है, जो कम्प्लीटेड डॉक्टर मीणा का जो रास्ता है उस पर इस बोर्ड ने अभी उस पर सीसी करवाया है, और जो खाली जगह पड़ी हुई है जिसपे का निर्माण मतलब सीसी नहीं हुई है उसके प्रस्ताव तैयार हो गए, बजट पास हो गया है और बहुत जल्दी ही वहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम करवाया जाएगा। नालियाँ वहाँ बन चुकी है, ग्रेवल फैल चुकी है, गिट्टी फैल चुकी है, अब केवल इंटरलॉकिंग का काम बाकी है जो जल्दी करवा दिया जाएगा। लेकिन गोकुलधाम वासियों का कहना है कि जो नालियां बनी हुई हैं इनमें पानी निकासी होती ही नहीं है, वही जगह तो बहुत ज्यादा अंदर हो गया है, कोई जगह ऊपर है तो वो पानी जहाँ का जाए भरा रहता है, जिससे कई मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियों का डर उन्हें बना रहता है। जो वहाँ पर जो नालियाँ बनी है और उसमें जो ग्रेवल डाली, उस ग्रेवल डालने के समय पर जो मशीन से रोलिंग किया गया उससे वो नालियाँ थोड़ी डैमेज हो गई, इसलिए पानी निकलने में थोड़ी व्यवधान है, उनको सही करवा दिया जाएगा। अभी जो इंटरलॉकिंग के साथ पूरी नालियाँ वगैरह कम्प्लीट हो जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। और जो ये गोकुलधाम कॉलोनी में खाली भूखंड है बहुत से जिनमें पानी भरा रहता है, उनके लिए पालिका के लिए कोई योजना है? उनके लिए जो खाली भूखंड है उन सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उसको 3 बार नोटिस जारी कर दिए हैं, अगर जिन लोगों ने उसके बाद भी अगर उस पर अमल नहीं किया तो वहाँ पर नगर पालिका संपत्ति का बोर्ड लगा दिया जाएगा, ये तय है। और ये जो इंटरलॉकिंग का काम है ये आपके अनुसार कब तक पूरा हो जाएगा? ये मार्च के पहले पूरी कॉलोनियाँ वार्ड नंबर 16 में ऐसी कई बस्तियाँ हैं जहाँ पर भी काम बाकी है, मार्च तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 16 में पानी की भी एक जनरल समस्या है, लेकिन जब यहाँ पर अभी मंत्री मोदी, जलदाय विभाग के मंत्री मोदी आए थे कोटी जलदाय योजना का उद्घाटन करने उस समय मैंने यहाँ के वार्ड के वासियों का एक ज्ञापन तैयार करके उनको दिया था, उन्होंने इस वार्ड के लिए, इस यहाँ की संख्या के लिए एक पानी की टंकी की घोषणा की है, जो उसके प्रस्ताव नगर पालिका में जगह चिन्हित कर ली गई है। पांडल के कुएं के पास एग्रीकल्चर ऑफिस के पीछे टंकी बनाई जाएगी, उसकी 50 लाख रुपए की लागत उसकी आएगी, 10,000 लीटर की पानी की टंकी बनेगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। तो ये थे वार्ड नंबर 16 के पार्षद जी चतुर्भुज सेन, जिन्होंने वार्डवासियों को आश्वासन दिलाया कि जल्दी उन्हें बुनियादी स्तर की सुविधाओं के साथ आधुनिक जो सुविधाएं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वह भी मुहैया करवाई जाएगी। कैमरामैन लोकेश राजौरा के साथ रवि राठौर, सांगवान न्यूज़।